ये जो है पानी जा जा के ऐसा हो गया, ये ऑयल है, ऑयल पानी मिक्स हो गया, ऐसा वाइट वाइट हो गया। इससे नुकसान इंजन को क्या होता है? बेरिंग बेरिंग खराब हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो अभी आप देख रहे हैं डिस्कवर 150 है, ये आप देख लीजिए, ये है डिस्कवर 150। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी आपको शमशाद भाई बताने वाले, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी, एक मिनट आप देख सकते हो दोस्त, ये डिस्कवर 150 डिस्कवर के जितना ये मॉडल इंजन में है इसका पैकिंग ख़राब होता ही है। ये गाड़ी का ही सिर्फ नहीं, सब डिस्कवर का होता है। यहाँ पे रहता ब्लॉक का पैकिंग है, वो पैकिंग एक्चुअली फट जाता है और वहाँ से ऑयल निकलने लगता है। आप ब्लॉक का जो पैकिंग है वो फटने के बाद गाड़ी का ऑयल निकलता है। अभी बहुत सारे लोग कस्टमर लोग भी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता इतना, गाड़ी इसे चलाते रहते हैं तो क्या रहता है, ऑयल वहाँ से सब निकल जाता है। निकलने के बाद क्या रहता है, पिस्टन इंजन सब ख़राब हो सकता है उससे, उसमें गाड़ी में दिक्कत ज़्यादा होता है। इसे आपकी गाड़ी में अगर जो थोड़ा बहुत रहे मिस्टेक तो आप करा लिया करें। इसमें क्या डालने वाले फिर वहाँ पे पैकिंग डालेंगे। अभी खोल के पैकिंग भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो अभी मुझे खोलने दो। तो आपने सुन लिया कि शमशाद भाई ने पूरा बता दिया, यहाँ से ऑयल पूरा लीकेज है। और इस तरह क्या होता है कि धीरे धीरे ऑयल रहे और ऑयल लीकेज होते होते पूरा निकल जाता है और इंजन सीज हो जाता है और पता नहीं चलता गाड़ी चलाते हुए। तो ये सब बातों पे ध्यान दे, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखे तो आप भी सीधा गाड़ी को गैरेज लेके जाए और चेक करा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो अभी इंजन है का हेड खुल रहा है और वहाँ पे तो ये टाइमिंग चेन है, किने देखो पूरा खराब हो गया है। खराब होने से इसको एक ऑयल फेंकता ही है। यहाँ पे देखो कैसे ऐसा पैकिंग पकड़ के रखना चाहिए, यहाँ पे वो निकल गया है, ये फट जाता है। इसको जो है ऑयल यहाँ से लीकेज मारता है, यहाँ से ऑयल फेंकते सीधा हेड में जाता है, वहाँ से ऑयल निकलता है, ऑयल पंप वहाँ से फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ऑयल लीकेज होना चालू हो गया, क्योंकि ये पैकिंग फट गया था। हाँ, पूरा पैकिंग ख़राब हो गया है। तो अब ये पैकिंग चेंज करना पड़ेगा तो फिर काम ठीक से करने लगेगा। हाँ, परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बस आपको इस बातों पर ध्यान देना है, अगर थोड़ा भी बाइक से ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम रहा तो उसको चेक कराना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ऑयल पूरा ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी से पता भी नहीं चलेगा। जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है पैकिंग, वो पैकिंग के ऊपर आप नया पैकिंग नहीं लगा सकते, तो पैकिंग को एकदम अच्छे से निकालना है। तो उसको निकालने के लिए शमशाद ब्लेड यूज़ करने वाला है, देखिए इस टाइप का ब्लेड, उससे वो घस घस के पूरा निकाल दिया जाएगा, जिससे इंजन को उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, वो एकदम ईजी निकल जाएगा। तो भी आप देखिए किस तरह निकलता है वो। क्या रहता है, प्लग पे जाता है ना, तो गाड़ी घंटे से छोड़ देते हैं कार्बन। यहाँ पे क्या रहता है, तो गाड़ी थोड़ी ऑयल खा रही है, इससे यहाँ पे बहुत कार्बन सारे जमा हुए हैं। अभी क्या गाड़ी खुला तो थोड़ा साफ़ा कर लेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत सारा गंदा हो गया, काला हो गया, तो थोड़ा खुला साफ़ सफाई करके फिटिंग करेंगे तो अच्छा फिटिंग होएगा, साफ़ सफाई रहेगा, गाड़ी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। पानी से डीजल से धो रहा है, डीजल है।
ये जो है पानी जा जाके ऐसा हो गया, ये ऑयल है, ऑयल पानी मिक्स हो गया, इसको वाइट वाइट हो गया। इससे नुकसान इंजन को क्या होता है? बेरिंग खराब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इंजन के अंदर पानी जाने के बाद किस तरह वाइट क्रीम की तरह अंदर बन गया था, वाइट क्रीम जैसा था। और देखिए अभी वो जगह वहाँ से क्लीन कर दिया गया। तो इंजन में पानी घुसने का चांस कहाँ से रहता है? थोड़ा बहुत जाता है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे क्या रहता है? एयर का पाइप है, एयर पाइप हवा लेता है, तो हवा के साथ पानी भी चले जाता है इसमें। का पैकिंग देख लो, इसको बोलते हैं हेड गैसकेट, ये भी हेड का पैकिंग है। कोई गैसकेट बोलता है, कोई पैकिंग बोलता है, इसको तो पैकिंग ही बोला जाता, ब्लॉक पैकिंग ही बोलते हैं इसको। ये पिस्टन का रिंग है, ये देखो ये रिंग है, ये ऑयल रिंग है, ये दोनों कंप्रेसर रिंग है, ये ऑयल रिंग है, मेन यही बच रहते हैं। कल रहे हो एडजस्टर, ये देखो चेन जो यहाँ से टाइट लूज होते हैं। अगर जो खुला है आपके पास, सबसे पहले ब्लॉक फिटिंग करने से पहले आप थोड़ा रिंग के ऊपर ऑयल डाल देने का, ऑयल डालिए। ये क्या रहेगा, आपको रिंग को बैठने में कुछ दिक्कत नहीं देगा, आराम से बैठ जाएगा। थोड़ा क्या करो, ये ब्लॉक लो, ये ब्लॉक के अंदर थोड़ा डाल के उसको हाथ से उंगली में डाल के इसे मसल देने का दोनों तरफ से। उसके बाद आप ब्लॉक फिटिंग कर दो, उसमें क्या रहेगा आपको कुछ दिक्कत नहीं होएगा। थोड़ा बहुत कचड़ा रहेगा तो ऑयल के साथ बाहर फेंक देता है वो। फिटिंग करने के टाइम पे परफेक्ट देख के फिटिंग करने का, उसमें थोड़ा भी मट्टी विट्टी रहेगा तो आपका जो पिस्टन है पिस्टन ख़राब हो सकता है। कहते हैं हाँ भाई, कौन सा डालू? एमआरएफ। ये कैसे चिपक जाता है रे? चिपकने वाले ही है। अरे भाई बिरयानी बनाने जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो वहाँ पे ब्लू वाला पैकिंग और एक किसके बीच में यहाँ पे, तो पैकिंग हो गया है और बहुत कम, मतलब बिल्कुल अभी यहाँ से ऑयल निकलने का चांस नहीं है और एकदम पैकिंग अच्छे से हो गया है। और अभी बारी आती है टाइमिंग चेन सेट करने की, तो भी आपको बताता हूँ मैं। चलो तो आप जो देख रहे हो अभी टाइमिंग चेन सेट करने का है, टाइमिंग चेन सेट कर रहे हैं, यहाँ से हल्का हल्का किक मार रहे। तो वो जो आपको टी दिख रहा है वो है टाइमिंग चेन का निकला मलाई। टाइमिंग चेन सेट करने के लिए जब इसको खोला तो इसमें भी पानी का मलाई बन गया था, अब उसको भी साफ़ कर रहे। तो पानी गया कि एक साइड चिपक जाता है और क्रीम बन जाता है। और इसका टाइमिंग चेन देखिए, आपको दिख रहा होगा हल्का टी, वो है मतलब सकते दोस्त, ये है टाइमिंग। ये जो है ये देखो ऊपर टी लिखा हुआ है, ये टी सीधा होना चाहिए और इसका पोजीशन सेम होना चाहिए तो गाड़ी का टाइमिंग बरोबर रहेगा। डिस्कवर बजाज की गाड़ी में थोड़ा भी टाइमिंग आउट रहेगा ना, आप की मारोगे तो वाल फटाक दे बैंड हो जाएगा। कभी भी आप फिटिंग करो तो ये जो टाइमिंग चेन का
टेमिन है वो बरोबर फिटिंग करो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये साइड का टी और वो साइड का टी एक ही लाइन में ऊपर होना चाहिए। हाँ, डिस्कवर 150 सीसी का पूरा इंजन फिटिंग हो चुका है, हेड पूरा फिटिंग हो चुका है और टाइमिंग चैन और जो ऑयल लीकेज था वो साइड से देखिए ब्लू पट्टी जो ब्लू पैकिंग दिख रही है वो भी रेडी हो गया है और थोड़ी देर में इंजन चेक करने वाले कैसा आपको परफॉर्मेंस देने वाला है ये और इसका ऑयल देखिए कैसा हो गया था, ऑयल भी बाहर निकाल दिया, अब इसमें नया ऑयल डालने वाले हैं।